हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज हम हाल फिलहाल में रिलीज हुए न्यू कोरियन ड्रामास को कवर करने वाले हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं MX Player, नेटफ्लिक्स, जिंग टीवी, Z5 और हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये सभी कोरियन ड्रामास हिंदी डब्ड में अवेलेबल है और अगर आप इन सभी कोरियन ड्रामास को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर में देखना चाहते हैं तो ये सभी के सभी कोरियन ड्रामास हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन पर आसानी से देखने को मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है लकी रोमांस। इसे IMDb पर 7/10 की रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर एंजॉय कर सकते हैं। इस ड्रामा की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर आपको कहानी देखने को मिलती है शिम्बू न्यू की, जिसकी बहन का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद में उसे बचाने के लिए शिम्बू को कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है, इसलिए वो अंधविश्वास के ऊपर में बहुत ही ज्यादा यकीन करना स्टार्ट कर देती है। पर फिर एक दिन उसे एक बाबा, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा यकीन करती है, वो उसे बताते हैं कि अगर तुम किसी एक ऐसे इंसान को अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी जो टाइगर ईयर में पैदा हुआ था, तब तुम्हारे बहन को बचाया जा सकता है। तो ऐसे में शिम्बू ना टाइगर ईयर में पैदा हुए लड़के को ढूंढने लग जाती है और फिर एक दिन उसे वो लड़का मिल जाता है, जिसका नाम रहता है जेसू हो। एक जीनियस CEO है एक टॉप गेमिंग कंपनी का, जिसके बाद शिम्बू उसे कैसे तैसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश करती है, जिसे देखते वक्त हमें इस ड्रामा में काफी ज्यादा मजा आता है और बाद में शिम्बू अपने आप को एक लव ट्रायंगल के बीच में भी पाती है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है गो बैक कपल। इसे IMDb पर 8.2/10 रेटिंग मिली है और ये ड्रामा अवेलेबल है जिंग टीवी और हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये एक टाइम ट्रेवल कॉमेडी रोमांस ड्रामा है जो बहुत ही ज्यादा इंटरटेन करता है अपने व्यूअर्स को। इस ड्रामा में आप कहानी देखने वाले हैं 38 साल के मैरिड कपल की, जिन्होंने लव मैरिज करी थी पर उनकी मैरिड लाइफ वैसे नहीं जा रही होती है जैसा उन्होंने इमेजिन किया था कि वो जाएगी, इसलिए उनके बीच में काफी सारी दूरियां पैदा होने लग जाती है। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा चमत्कार होता है जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों समय में पीछे आ जाते हैं, जब वो दोनों कपल नहीं थे और जब उन्होंने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था। और समय में आने के बाद में वो डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे को वापस से प्रपोज नहीं करेंगे, पर आगे जाके एक के बाद एक कुछ ऐसे चीजें होती है जिसकी वजह से उन्हें वापस से एक दूसरे के करीब आना पड़ जाता है। और ऐसे में ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करता है व्यूअर्स के बीच में। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 12 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली 70 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है क्वीन ऑफ मिस्ट्री। इसे IMDb पर 7.3/10 रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप Z5 और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये एक एक्शन मिस्ट्री कॉमेडी ड्रामा है, जहां पर आप कहीं देखने वाले हैं यू सियोल की, जिसका बचपन से सपना था डिटेक्टिव बनने का, पर उसका सपना किसी वजह से पूरा नहीं हो पाता है, पर फिर भी वो केस को सॉल्व करती रहती है अपनी डे टू डे लाइफ में, जिसके बाद एक दिन रियल डिटेक्टिव वान स्योंग उसकी इस काबिलियत को देख लेता है और उसे अपने साथ केस सॉल्व करने का मौका देता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट केसेस को सॉल्व करते हैं, जो हर एक केस एक से बढ़कर एक होने वाला है, जिसे सॉल्व करते वक्त इन्हें देखने में आपको काफी ज्यादा मजा भी आएगा। इस ड्रामा का Season 1 और Season 2 दोनों में टोटल 32 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है ब्लड हाउंड्स। इसे IMDb पर 8.1/10 रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप नेटफ्लिक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल पर एंजॉय कर सकते हैं। इस ड्रामा के अंदर में आप कहानी देखने वाले हैं किम ग्यून की, जो कि प्रोफेशनल बॉक्सर होता है, पर फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने बहुत बड़ा उधार ले लिया है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो उधार जो उन्होंने लिया था वो एक फ्रॉड है, जिसके बाद किम ग्यून बहुत जगह मदद मांगता है, इसके बाद उसकी मदद एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, जिसके बाद किम ग्यून उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर डिसाइड करता है कि वो उस उधार देने वाली कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, क्योंकि जैसा उसने उस लोन वाली कंपनी की वजह से सहा है वैसा वो नहीं चाहता कि वो किसी और के साथ में हो, इसीलिए वो उन्हें रोकने के लिए किस हद तक चले जाता है, ये हमें इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में आपको एक से बढ़कर एक एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो आप सभी को काफी ज्यादा पसंद भी आएंगे। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 8 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कौन ड्रामा था उसका नाम है व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। इसे IMDb पर 8.1/10 रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप MX Player और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो इस ड्रामा में देखने वाले हैं यंग जुन को, जो कि एक बहुत ही बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है और वो काफी ज्यादा मेहनती और अपने आप से प्यार करने वाला इंसान होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी सेक्रेटरी किम मीसू को, जो कि उसके लिए पूरे 9 सालों से काम कर रही होती है, पर फिर एक दिन सडनली वो डिसाइड करती है कि वो अब जॉब छोड़ देगी और उसकी वाली बात सुन के ली यंग जुन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और फिर वो सोचने लग जाता है कि आखिर किम मीसू जॉब क्यों छोड़ना चाहती है। और जब वो उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करता है, तब हमें इन दोनों की असल बॉन्डिंग देखने को मिलती है और वो लव स्टोरी बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाली है, जिसे देखने में आपको काफी ज्यादा मजा भी आएगा। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली 69 मिनट की। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे कोरियन ड्रामास के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आई बटन दबाकर आप टॉप कोरियन ड्रामास की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिस पर मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूं। और अगर आप ऐसी वीडियोस को हर हफ्ते देखना चाहते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो नीचे दिए गए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए।